भारत से गुंडई और नफरत करने का नतीजा पाकिस्तान आज तक झेल रहा है। वहाँ के हुक्मरान चाह रहे हैं कि किसी तरह भारत से दोस्ती हो जाए। जनता कराह रही है कि भारत से कुछ सामान पाकिस्तान तक आना शुरू हो जाए ताकि वो ठीक से खा पी सकें, वहाँ की गरीबी में थोड़ा सा सुधार हो सके। लेकिन यहीं उन्हीं की देखा देखी बांग्लादेश वाले भी गुंडई करने लगे, उनके भी लाहौरी खून में उबाल आ गया। वो भी अब अपने को कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों को मार काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि ये तय है कि बिना भारत के सपोर्ट के बांग्लादेश का एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। भारत ने बांग्लादेश को काफ़ी सहूलियतें दी, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी। उनको ये लगने लगा कि सिर्फ हमारे ही द्वारा पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाया जा रहा है, वरना लोग बिना कपड़ों के घूमेंगे। तो उनकी समझ में ये आ गया कि अब हमारा कपड़ा अगर नहीं हम भेजेंगे तो सब लोग बहुत भिखारियों की तरह रहने लगेंगे, उन कपड़े नहीं पहन पाएंगे। थोड़ा पैसे भी आ गए तो एकदम भारत से गुंडई पे उतर आए। उन्हें ये लगने लगा कि भारत के लोग ही बांग्लादेश में परेशानी उत्पन्न करेंगे, तो वो एकदम से हिंदुओं को मारने लगे, ईसाइयों को मारने लगे, बाकी अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को मारने पीटने लगे। श्रीलंका की भी स्थिति थोड़ी सी ऐसी ही थी। श्रीलंका वालों ने थोड़ा सा इधर उधर किया, भारत ने अपना हाथ हटाया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि उनको खाने के लाले पड़ गए, अंत में भारत के सामने आए। अब आप इतना समझ लीजिए, पाकिस्तान सर झुका के इस्तकबाल कर रहा है, श्रीलंका कान पकड़ रहा है, म्यांमार नाक रगड़ रहा है और तमाम लोग ऐसे हैं। अब बांग्लादेश का क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, आप लोग बताइएगा कि वो किस स्थिति पे जाने वाला है। बांग्लादेश की बिजली भारत से होके जाती है, बांग्लादेश की तमाम चीज़ें भारत द्वारा ही सप्लाई दी जाती हैं। ऐसे में अगर वो इस तरह ऊपर से धमकी ये कि अगर वहाँ के विस्थापित प्रधानमंत्री को बांग्लादेश नहीं लौटाया गया तो भारत से रिश्ते खराब हो जाएंगे, अभी इतनी बड़ी धमकी, बताइए उनसे रिश्ते रखने को कौन सोच रहा है? उनसे रिश्ते रखने में अपना ही नुकसान है, अपने देश के लोगों का पेट काट काट करके बांग्लादेश को राहत दी जा रही है, श्रीलंका को राहत दी जा रही है। ऐसे में अगर उनसे रिश्ते न भी हों तो क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पे? भारत के रिश्ते बेहतर वैसे ही हैं, तमाम तनातनी के बीच भी चीन से हमारे यहाँ सामान आ रहे हैं और जा रहे हैं, रूस से आ रहे हैं, यूक्रेन में भारतीय झंडा दिखाकर पाकिस्तान के लड़के चले आए, नहीं तो वहाँ कूटे जाते। तो अगर भारत इतना मजबूत हो रहा है आपकी मेहनत की बदौलत, तो फिर आप लोग खुल के बोलिए ना कि बांग्लादेश से कोई रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का विपक्ष इस समय यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आप कड़े एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। वो इतना डर गया है कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसे डर है कि कहीं हम बांग्लादेश का विरोध कर दें तो भारत के मुसलमान उससे नाराज न हो जाएं और वो अल्पसंख्यक से न्यून संख्यक में आ जाएं। तो ऐसी नेतागिरी हर जगह पूरी दुनिया के विपक्ष वाले करते हैं, आपको हमें समझना होगा। लेकिन भारत के विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो इस समय भारत के साथ खड़ा हो और भारत के प्रधानमंत्री को संबल और साहस प्रदान करे, जिससे वो कड़े फैसले ले सके और भारतीयों की मेहनत की कमाई को बांग्लादेशियों पर, पाकिस्तानियों पर